हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर हमारा फोर्थ चल रहा था, ठीक है। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो अपन कर लीजिए। इस पे मैं पेज नंबर देख लेता हूँ एक बार, अगर आपने ओपन कर रखा है तो अच्छा है, ठीक है। तो हमारा जो पेज नंबर है यहाँ से 216 है, वो ओपन कर लीजिए जल्दी से। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर मैटर। तो मैटर के लिए कौन सी चीज़ वो सही नहीं है, चार ऑप्शन दिए हैं। हैज़ अ वेट, ऑक्यूपाई स्पेस, कैन नॉट बी सीन, इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैन बी सीन है यहाँ पे। तो मैटर है जैसे कि एयर हो गई, ठीक है। तो एयर को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि मैटर को हम हमेशा ही देख सकें, ठीक है ना। तो यही इन्होंने पूछा था कि हमेशा कौन सी चीज़ सही नहीं होती मैटर के लिए, ठीक है। तो मैटर का हमेशा वेट कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, बट उसको हमेशा हम देख नहीं सकेंगे। कि जैसे कि एयर हो गई, ठीक है, उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये ऑप्शन भी चलो गलती होगा, इसको देख लेते हैं। इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मैटर है वो हमेशा ही मॉलिक्यूल से बना होगा, सही है बात, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनमें से कौन सा है जिसकी जो शेप और वॉल्यूम है फिक्स होती है, तो सॉलिड होता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के साथ कौन कौन बने होते हैं सॉलिड, गैस और लिक्विड में, तो में से तो सभी सभी बने होते हैं, ये पढ़ा है हमने। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ दीज इज़ हाइस्ट। तो किन मॉलिक्यूल्स के बीच, किस मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है दूर दूर होते हैं, तो डिस्टेंस इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू हीट ए पीस ऑफ वैक्स, अगर अब हम हीट करें वैक्स के एक पीस को तो क्या होता है, तो वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, उसके बाद और हीट करें अगर तो वो गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल उल्टे फुलटे लिखे हैं, तो हमारा सही ऑप्शन था ये। दूसरे में बस यही है कि पहले कह रहे हैं कि गैस बनेगी, तो वैक्स है जो, वो हमें भी पता है कि जब उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगी, फिर गैस बनेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही आएगा। व्हेन सॉल्ट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर, दी सॉल्ट मॉलिक्यूल्स चेंज टू वाटर मॉलिक्यूल्स, चेंज टू गैस मॉलिक्यूल्स, गो इन टू स्पेसिस बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने पढ़ा था कि स्पेस होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, या वहाँ पे वो साल्ट है जो वो चला जाता है, या शुगर है जो, ठीक है, उसके बीच आ जाती है उसके मॉलिक्यूल शुगर के, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेन कर चुके हम, ठीक है, चैप्टर में। चलो आगे देखते हैं, अभी ट्रू फॉल्स हैं आगे, ठीक है। टिक लगाने थे यहाँ पे वैसे, ठीक है, चलो ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। चलो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके वॉल्यूम्स हैं जो, वो डेफिनेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, ठीक है, कहीं पे भी चले जाएं वो। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड और लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट होती है, नहीं होती, लिक्विड की चेंज होती रहती है शेप, ठीक है, जहाँ पर डालेंगे लिक्विड को वैसा ही वो हो जाएगा। देयर आर ओनली अबाउट 100 काइंड ऑफ एटम्स दैट मेक अप ऑल सब्सटेंसेस, दुनिया में तकरीबन 100 तरह के एटम्स हैं जिससे सारी दुनिया बनी हुई है, ये बोल रहे हैं जी। तो सही बात है, तकरीबन 100 के ही करीब हैं जो एटम्स हैं, ठीक है, एक 118 है तकरीबन। गैसेस टेक अप द एंटायर स्पेस इन विच दे आर कैप्ट, तो गैसेस वो सारी जगह को घेर लेते हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो ट्रू है ये, बिल्कुल सही है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स, सभी तरह के जो मैटर होते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, तो नहीं होती, फॉल्स है, ठीक है। तो गैस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स थोड़ी होती है, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं हम, ठीक है, और फैला भी सकते हैं दूर दूर तक, ठीक है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो महक है दूर दूर तक चली जाती है, ठीक है, तो वो गैस में डिसॉल्व होकर उसके पार्टिकल्स जाते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, एयर इज़ नॉट मैटर सिंस वी कैन नॉट सी इट, जो एयर है वो मैटर नहीं है, तो ये तो फॉल्स है, मैटर है क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है जो हवा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के ये जो इसका वेट होता है कुछ ना कुछ, ओके। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में, आइस हो गई, गैस हो गई, तो उसमें होती तो पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं ना, ठीक है ना। तो ये तो गलत लिख दिया इन्होंने कहा कि अलग अलग स्टेट्स में
वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, उनका डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है, उनमें फोर्सेस का फ़र्क पड़ जाता है, बट मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, एनी मॉलिक्यूल एनी अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि ग्लास ऑफ वाटर में हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी शुगर डाल रहे हो, ये थोड़ी होता है कि एक बोरी डाल लेंगे हम, ठीक है। हमारे पास सपोज करो इधर एक गिलास है, तो इसमें एक बोरी थोड़ी आ जाएगी, पानी में घुलेगी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ लिमिट होती है, सेचुरेशन पॉइंट होता है कुछ ना कुछ, जिससे आगे वो डिसॉल्व नहीं हो सकता शुगर। चलो बोरी वाली बात तो लग आ गई कि यहाँ पे हमने सपोज करो काफ़ी सारी शुगर डिसॉल्व कर भी दी, ठीक है ना, डिसॉल्व हो गई। उसके बाद हम थोड़ी सी शुगर और ऐड करेंगे, वो नीचे ही बैठी रहेगी, ठीक है ना। तो इसको सेचुरेशन बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे कि एटम्स कंबाइन। तो फॉल्स का तो पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन वेरियस वेज टू फॉर्म, एटम्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये तो हमें पता है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, गैस आर दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, बिल्कुल हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये तीनों। दे आर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली, मॉलिक्यूल्स हैं जो वो किन के बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, पैक्ड सॉलिड्स के होते हैं। दे आर मॉलिक्यूल्स आर टोटली फ्री टू मूव अराउंड, वो कौन सी चीज़ है जिसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं, तो गैसेस के घूम सकते हैं ना, बताया था मैंने। दे कैन फ्लो बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं जैसे कि, ठीक है। तो उनको लिक्विड्स कहते हैं जो बह सकते हैं, ठीक है। वैसे गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, तो यहाँ पे डेफिनेट वॉल्यूम लिखा रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो लिक्विड ही ऐसा होता है कि जो कि फ्लो कर सकता है और उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, ठीक है। द सॉलिड्स दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉलिड्स जो कि हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, वो सॉल्यूशन जिसमें आगे हम कुछ नहीं मतलब घोल सकते, उसको सेचूरेटेड कहेंगे हम सॉल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, आपको नोट करने हैं। इज एयर मैटर, वाई, तो एयर मैटर क्यों है, पहले तो ये पूछने, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यस, एयर इज़ अ मैटर बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड हैज़ मास। तो जो एयर है उसके उसके पास क्या होता है, ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना। जो एयर है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यहाँ पे ठीक है, वॉल्यूम भी हम लिख सकते हैं, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे स्पेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेस और वॉल्यूम सेम थिंग है दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जो व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मॉलिक्यूल और एटम्स से बना होगा मैटर होगा जो। नेक्स्ट देख लो, हाउ इज़ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस डिफरेंट फ्रॉम देयर अरेंजमेंट इन वाटर। तो आइस में भी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर में भी होते हैं, लिक्विड होता है जो, ठीक है। तो उसमें अरेंजमेंट का कैसे फ़र्क होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। बट आइस में क्या होता है, सॉरी वाटर में क्या होता है, वो दूर दूर पड़े होते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने थोड़े से शॉर्ट में लिखवाए हैं ताकि इजी रहे आपको लर्न करना, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्लास है आपकी, तो इसलिए जितना हो सका मैंने आपको छोटा लिखवाने की कोशिश की है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डू गैसेस नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, जो गैसेस हैं उनकी डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती, उनके वॉल्यूम है जो वो डेफिनेट क्यों नहीं होती, ये पूछा है। तो गैसेस की जो शेप है वो नहीं होती कोई, जैसे कि सॉलिड्स की होती है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर कैन मूव फ्रीली। तो पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं फैले हुए एयर के, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए गैस की कोई क्या नहीं होती, शेप नहीं होती, ठीक है ना। तो चलो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज का, होप कि आपको समझ आ गई होगी। और आपने अभी इस वर्क को नोट करना है, नोटबुक पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके जी, थैंक यू।